अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने वेबसाइट को कंप्लीट किया था, अबाउट अस पेज, डिग्री प्रोग्राम पेज एंड सम डिज़ाइन हमने ऐड किए थे। हमने देखा था कि हम कैसे ये बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, फ्लोट लेफ्ट एंड राइट फॉर्म कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने ट्वीट किया था, वो हमारा था रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। हमने ये देखा था कि ये वेबसाइट स्मॉल स्क्रीन पे, इसका बिहेवियर इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपके बॉक्सेस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए हैं, मेन्यू प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, बटन एंड आपका टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। सो लास्ट टाइम एक एरर आया था जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अप्लाई नहीं हो रहा हमारी इस वेबसाइट पे। तो उसकी रीज़न ये थी बेसिकली, जब हमने ये कमेंट ऐड किया था तो कमेंट के बाद ये एक्स्ट्रा 3 स्लैशेस हमने ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से CSS एरर की वजह से ये आपका कोड जो है अप्लाई नहीं होता। तो लेट्स से हम इसको रिमूव करके सेव करते हैं। अभी तक जो हमने इस मीडिया क्यूरी भी अप्लाई किया है कि हमने कहा कि आप हेडर के इनसाइड एक ID है ब्रांडिंग, लेट्स से हम इंडेक्स पे जाते हैं, हेडर के इनसाइड एक डिव है जिसकी ID क्या है ब्रांडिंग, एक स्टाइल उस पर अप्लाई करें, रीज़न इसकी क्या है वो भी आपको बताता हूँ, फिर हेडर के इनसाइड नेव है उस पर भी एक रूल अप्लाई करें, और हेडर डॉट li, इन तीनों इंफॉर्मेशन पे आप ये रूल अप्लाई करें, फ्लोट अगर तो अवेलेबल है तो उसको नन कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करें और विड्थ क्या रखें 100%। वाई वी यूज़ दीज थ्री अभी तक अगर आप देखें, तो अगर हम ऊपर मूव करें तो हमारे पास li एलिमेंट में हमने फ्लोट को यूज़ किया हुआ है, नेविगेशन में हमने फ्लोट को यूज़ किया हुआ है एंड ब्रांडिंग में हमने फ्लोट को यूज़ किया हुआ है, जबकि ब्रांडिंग क्या है लेफ्ट पे है जो आपका एक्चुअली दिस टाइटल है, दिस वन टाइटल, और ये आपके li एलिमेंट्स हैं, इसको हमने क्या किया हुआ फ्लोट राइट की तरफ। तो लेट्स से हमने अपना एरर रिमूव किया, को सेव करें, और जब इसे हम रिफ्रेश करेंगे स्मॉल स्क्रीन पे आए तो आप देखें कि आपका जो वेब डिज़ाइन है वो सेंटर में है और आपका मेन्यू है वो भी सेंटर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी मेन्यू की रीज़न क्या है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम टेक्स्ट है वो क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक ही लाइन में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अगर हम इस स्पेसिफिक एलिमेंट की विड्थ इंक्रीज कर दें, तो अभी हमारे पास जो विड्थ है वो हम देखते हैं, वापस अपने HTML में आते हैं, तो कंटेनर की विड्थ हमने क्या रखी हुई है 80%। तो लेट्स से हम स्टाइल डॉट CSS पे आते हैं और हम कहते हैं कि जब हमारा पेज ओपन हो मैक्सिमम 768 पिक्सल पे, तो आप डॉट कंटेनर की विड्थ क्या कर दें 90%, 10% आपका ऑटो अलाइन होगा तो स्टिल वो क्या रहेगा सेंटर में। उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके ये सारे वेट एक विड्थ के मुताबिक आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखेंगे कि अगेन ये एलिमेंट हमारे प्रॉपरली अलाइन नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। हम अगर आप HTML में आए इंडेक्स पेज पे, तो ये थे बेसिकली बॉक्सेस। सो कंटेनर के इनसाइड हमने मल्टीपल डिव्स क्रिएट किए हैं और हर डिव को जो क्लास दी हुई है वो क्या है बॉक्स क्लास दी हुई है। तो अगर हम वापस जाएं और देखें हमारे जो बॉक्स क्लास है, बॉक्स क्लास को हमने क्या किया है फ्लोट लेफ्ट किया हुआ, तो हमें ये रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जितने भी आपके फ्लोट्स हैं वो एक्चुअली क्या हो जाएं नन। तो हम बॉक्स के लिए भी क्या कर देते हैं यही रूल अप्लाई कर देते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो आपके बॉक्स का फ्लोट नहीं होंगे जबकि स्क्रीन के मिड में डिस्प्ले होंगे। तो इट्स मच बेटर रेदर देन के आपके स्मॉल स्क्रीन पे आपके ये बॉक्सेस यहाँ पे पैरेलल डिस्प्ले हैं।
सेकंड अगर हम देखें तो इस स्पेसिफिक हेडिंग आपकी इस लार्ज स्क्रीन के लिए तो इतनी बड़ी हेडिंग ठीक है, लेकिन स्मॉल स्क्रीन के लिए इतनी बड़ी हेडिंग बेटर सूटेबल नहीं है। तो हमने हेडिंग को भी क्या करना है, चेंज करना है। तो लेट से हम देखते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाके, एक्चुअली जो हमारा शो केस है, शो केस के इन साइड हमारे पास क्या है, H1 एंड पैराग्राफ, और उसकी आईडी क्या है, शो केस। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, स्टाइल और CSS पे आते हैं, और इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आईडी है, अगर आप देखें इस क्यूरी के इन साइड हम सारे कोड अप्लाई करें, हम कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट तो वो ऊपर जो हमने कोड राइट कर दिया वो एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन की मैक्सिमम विथ 768 और लेस है तो आप ये रूल क्या करें, स्पेसिफिक अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ करें। मैंने कहा था शो केस के इन साइड जो H1 है, H1 पे हमने क्या रूल पास किए हैं, आई डोंट थिंक सो, H1 हमारा जो है डिफॉल्ट अप्लाई होना है, ये रूल हमने अप्लाई किए हैं। हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 55 पिक्सल है, तो 55 तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो लार्ज स्क्रीन के लिए हमने रखा हुआ है। तो हम इस 55 के बजाय ऐसे कहेंगे कि लेट से ये 30 पिक्सल आपका एग्जिस्ट करें। तो रिफ्रेश करें तो आपका फॉन्ट क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन पैराग्राफ का फॉन्ट क्या है, स्टिल ज़्यादा है। तो पैराग्राफ भी एज़ कम्पेयर टू लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये हेडिंग कम है तो पैराग्राफ भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो हम यही रूल अप्लाई करेंगे लेकिन विद पैराग्राफ। तो हम क्या करें, शो केस के इन साइड जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज़ आप लेट से हम इसे कह देते हैं 15 पिक्सल, अगर कम होता है तो उसको बाद में इंक्रीज कर लेंगे। तो रिफ्रेश तो लुक्स बेटर। अब अगर हम न्यूज़लेटर पे, यहाँ तक तो बाकी ठीक डिस्प्ले हो रहा है, न्यूज़लेटर पे आएँ तो अगेन हम जा रहे हैं कि न्यूज़लेटर इनपुट जो फील्ड है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है दोनों क्या हों, वर्टिकली डिस्प्ले हों। तो हम CSS न्यूज़लेटर पे जाते हैं, दिस इज़ अवर न्यूज़लेटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन हमने क्लोज यूज़ किया हुआ है न्यूज़लेटर फॉर्म में। तो अगेन हम इस रूल को सबसे पहले तो फ्लो ख़त्म करेंगे, कहेंगे न्यूज़लेटर के इनसाइड जो फॉर्म है उसके जो हमने फ्लोट अप्लाई किया हुआ है वो क्या करते हैं नल। तो रिफ्रेश फाइन, वापस हम मूव करते हैं कोई, अगर न्यूज़लेटर फॉर्म फ्लोट लाइव, न्यूज़लेटर H1 के लिए हमने क्या किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट। अगेन हम H1 को भी क्या कहेंगे, इस पर भी क्या करें, फ्लोट को रिमूव करें। H1 एंड फॉर्म आपके इनमें जो फ्लोट अवेलेबल था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो साइड बाय साइड एलिमेंट हैं ये भी क्या हो, स्क्रीन पे हो। तो अगर हम अपनी मॉडल वेबसाइट पे जाएं तो लेट से हमारी मॉडल वेबसाइट कहाँ पे थी, तो अगर हम स्पेसिफिक अपनी मॉडल वेबसाइट पर जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ये क्या अवेलेबल है साइड बाय साइड पे। तो हमें भी क्या करना है, इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लेके आना है।
तो ये हम कैसे लेके आए, तो हम यहाँ पे एक रूल पास करेंगे। तो हम कहेंगे लेट से हमारा न्यूज़लेटर है, तो लेट से हम वापस आते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, तो एंड न्यूज़लेटर पे। तो हमारे पास जो सेक्शन आईडी अवेलेबल है वो क्या है, न्यूज़लेटर। तो सी एस एस पे मूव करते हैं और हम कहते हैं कि आई डी न्यूज़लेटर, एंड उसके इनसाइड लेट से हमारे पास क्या है, क्लास कंटेनर एंड फॉर्म, ये हमारे इनसाइड न्यूज़लेटर के अवेलेबल है। तो हम इस फॉर्म को क्या कर लेते हैं, कॉपी आईडी, इसकी हमने कोई भी राइट नहीं की हुई, तो दैट्स इट न्यूज़लेटर फॉर्म। और हम रूल क्या पास कर देते हैं कि इस स्पेसिफिक एलिमेंट को आप डिस्प्ले करें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। तो अगर आपको याद हो ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ये वो स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ लेगा, बाय फोर्स क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा। विड्थ हम कह देते हैं 100%। अपनी वेबसाइट पे आए तो रिफ्रेश करें तो कोई भी पे रूल अप्लाई नहीं हुआ, डेट्स फाइन। अब देख लेते हैं कि हमने क्या इसमें कोई चेंजिंग करनी है जो इस पे रूल को अप्लाई करें। तो फॉर्म के इनसाइड हमारे पास क्या है, अगर हम फॉर्म यहाँ से रिमूव कर दें और कहेंगे बटन, सो दैट्स इट, दैट्स गुड। हमने बेसिकली क्या किया कि न्यूज़लेटर के इनसाइड आपके पास जो एक बटन आपने यहाँ पे राइट किया हुआ है उसकी विड्थ क्या कर दें 100%, और उसका बिहेवियर क्या कर दें ब्लॉक एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट ये एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, इन लाइन एलिमेंट है, तभी ये साइड बाय साइड इनिशियली यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे थे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रह जाता है कि ऑब्वियसली इसको भी, इसकी भी विड्थ हमने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो हम आ जाते हैं न्यूज़लेटर, यही हमारे पास आईडी है, कॉपी। न्यूज़लेटर के इनसाइड हमारे पास एक फॉर्म है और फॉर्म के इनसाइड हमारे पास एक इनपुट एचटीएमएल टैग है जिसकी टाइप क्या है, टाइप इक्वल टू ईमेल। आप क्या करें, रूल अप्लाई करें विड्थ 100% एंड मार्जिन, क्योंकि मार्जिन रीज़न इसकी क्या है, अगर आप अभी स्क्रीन पे देखें तो इन दोनों के दरमियान में कोई भी गैप नहीं है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे दो ब्लॉक्स के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हैं। तो मार्जिन इम्पोर्टेंट, हम कह देते हैं लेट से 5 पिक्सल। रिफ्रेश, तो दैट लुक बेटर। अब आपकी वेबसाइट स्पेसिफिकली आपका इंडेक्स पेज 768 पिक्सल के लिए क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। तो होम पेज आपका करेक्टली है। अब हम अबाउट पेज पे आते हैं। अबाउट पेज पे हमारा न्यूज़लेटर, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेन्यू हमारा क्या है, करेक्टली है। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं अपनी मॉडल वेबसाइट पे जो हमारा अबाउट का पेज है, तो उसमें क्या है कि आपके ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो जो ब्लॉक्स हैं वो डाउन डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट में स्टिल यहाँ पे फ्लोट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम वापस अपने अबाउट अस पेज पे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शन हैं, न्यूज़लेटर ऑलरेडी हम डिज़ाइन कर चुके हैं रिस्पॉन्सिव, तो एक हमारे पास सॉरी मेन कॉलम है और एक हमारे पास साइड बार है। तो इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट एंड राइट। तो लेट्स सी, हम वापस ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि मेन कॉलम आपने क्या किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट। तो ऑब्वियसली इसको हमने क्या करना है, फ्लोट इसका रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, आर्टिकल के
साइड आपका जो टैग है मैन कॉलम आर्टिकल वाई, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मैन कॉलम्स हो सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक आर्टिकल हमारा है जिसकी आईडी क्या है मैन कॉलम, तो आप आर्टिकल लिख दें या मैन कॉलम लिख दें इस सब टू यू। लेकिन जब आर्टिकल लिखेंगे तो सारे आर्टिकल जितने भी आपने अगर आर्टिकल का टैग यूज़ किया है सब पे ये रूल क्या हो जाएगा अप्लाई होगा। तो मोस्टली हम यूटिलाइज क्या करते हैं मेन कॉलम। फ्लोट आप इसका नन रखें, अबाउट अस पे वापस मूव करते हैं और देखते हैं जो साइड बार है ये भी क्या है फ्लोट हुई हुई है। तो हम वापस सी एस एस पे मूव, एंड इसके लिए हम यही रूल अप्लाई करते हैं जो कि फ्लोट क्या करते हैं नन। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो सी हमारा ये क्या हो रहा है सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है एग्जैक्टली लाइक अवर मैन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो विड्थ दी हुई है वो मे बी 80% है और हमने इसे क्या कर दिया है 90%। सो अबाउट पेज भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो लेट से हम डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाते हैं ओके, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी हमने ए साइड एंड मेन कॉलम ही टाइटल दिए हुए थे, आईडीज दी हुई थी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपनी जो मॉडल वेबसाइट है डिग्री प्रोग्राम, तो और हमारा इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका बटन है इसकी भी विड्थ क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो विड्थ है वो करेक्ट नहीं है। तो इसकी विड्थ अगेन आप जाके इंक्रीज कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे विड्थ हमने बटन की यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिग्री प्रोग्राम के इनसाइड मैसेज फॉर्म है, ये हमने क्लास क्रिएट की हुई थी। मैसेज फॉर्म के इनसाइड जो बटन है उसको भी क्या कर दें ब्लॉक एलिमेंट और उसकी विड्थ क्या कर दें 100%। तो फिर रिफ्रेश करें नथिंग अप्लाइज मैसेज फॉर्म के अंदर हम देख लेते हैं कि डिग्री प्रोग्राम बटन क्लास बटन वन तो वापस पे आए और देखें कि मैसेज फॉर्म के इनसाइड जो एलिमेंट है वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। तो रिफ्रेश नो इसको अलहदा से हम राइट कर लेते हैं लेट फेस फॉर दिस डिस्प्ले, अगर तुझे करेक्टली काम कर जाए तो। प्रॉब्लम क्या है हमने यहाँ पे डॉट ऐड नहीं किया, तो क्लास के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है डॉट। तो इसकी विड्थ क्या होगी 100%, अगेन इनकी विड्थ भी हमने क्या करनी है 100% करनी है। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट टाइप था, तो हम कहेंगे कि हमारे फॉर्म के इनसाइड मैसेज फॉर्म के इनसाइड डॉट जितने भी इनपुट टाइप्स हैं उन्हें क्या करते हैं आप विड्थ 100% और उसमें जो मार्जिन है वो 5 पिक्सल। सिमिलरली डॉट मैसेज फॉर्म इनसाइड जो टेक्स्ट एरिया है उन पर से आप ये रूल अप्लाई कर दें। तो रिफ्रेश करें तो इनकी वेट क्या हो गई है 100% एंड लुक्स गुड। आप इनकी वेट अगेन यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर डिस्प्ले हो। इसके ऊपर जो आपने लेबल ऐड किया हुआ है का साइज एंड आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका स्पेसिफिक मैसेज है इसका थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं पैडिंग ऐड कर सकते हैं ताकि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। तो ओवरऑल जो हमारी वेबसाइट थी वो हमारी क्या हो गई कंप्लीट, हमने इसको क्या कर दिया रिस्पॉन्सिव कर दिया। अच्छा अभी जो हमने इसको रिस्पॉन्सिव किया है वो विद रिस्पेक्ट टू 768 पिक्सल है। तो 768 पिक्सल तक जो आपकी वेबसाइट हैं उन सब पे क्या होगा
आपका रिस्पॉन्सिव ये रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन लेट्स से हम इसको ओपन करते हैं गैलेक्सी X5 पे, तो हम विथ कर लें 100%, तो गैलेक्सी X5 पे ये स्पेसिफिक आपको बिहेवियर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि गैलेक्सी X5 अकॉर्डिंग टू क्रोम जो विथ है वो मैक्सिमम क्या है 640। तो आईफोन 5 SE पे आपकी ये विड्थ होगी, तो लुक्स गुड। रिस्पॉन्सिव पे अगर आप देखें तो अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप रिफ्रेश कर लें तो आपकी स्क्रीन लार्ज से स्मॉल की तरफ मूव कर रही है, तो आपके ये सारे रूल्स क्या हो रहे हैं अप्लाई हो रहे हैं। तो हम वापस अपने उस पर आ जाते हैं टॉगल डिवाइस पे, तो हमारे रूल्स अगर आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करते जाएं 780 पे आपका ये बिहेवियर होगा, ये ऊपर आपको यहाँ पे विड्थ नज़र आती जाती है जब भी आप स्क्रीन को रिमूव करते हैं। तो ब्रेक पॉइंट, दिस इज योर ब्रेक पॉइंट 768 मैक्सिमम के बाद अगेन ये आपके नॉर्मल रूल अप्लाई करेगा। तो अगर आप नोट करें 767 विथ पे जो मैक्स विथ है उस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन 769 जो ही आप मूव करते हैं तो ये आपका डिफरेंट सिनेरियो जो नॉर्मल रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो दैट्स इट, ये बेसिक हमारी वेबसाइट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आपका बेसिक। अच्छा, इस वेबसाइट में, वेबसाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो आपने इसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, आपने ये देखना है कि आप बेसिक डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे नेविगेशन के लिए, आपके पास कौन से टैग्स हैं। तो अगर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है पैरेलल, तो डिव्स के थ्रू उनको फ्लोट आप कैसे करेंगे, बटन को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इनपुट फील्ड को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेज को आप बेटर कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फिर मेन्यू आपके जो आइटम्स हैं लेफ्ट एंड राइट। तो अभी तक जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन पढ़ा है इट्स जस्ट आई वुड से कि 2 या 3% है ओवरऑल वेबसाइट डेवलपमेंट का। देर आर अलॉट ऑफ थिंग्स जो कि ऑब्वियसली एक सिंगल कोर्स में कोई भी कवर नहीं कर सकता। तो जस्ट इस कोर्स के अंदर आपको सिर्फ गो थ्रू कराया जा रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज़ योर डिज़ाइन। और बेसिक आप डिज़ाइन का कोर्स ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके हैं योर फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी। तो होप सो यहाँ तक आपने वेबसाइट अभी तक कंप्लीट कर ली होगी, तो जो एरर था रिस्पॉन्सिव आज उसको आप भी करेक्ट कर लें। तो आपका ये सिनेरियो अगर आप अचीव कर लें तो सम हाउ आपको बेसिक नाउ हाउ होगी है हाउ टू यूटिलाइज HTML टैग एंड उन टैग्स को आप कैसे डिफरेंट वे से CSS के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव के लिए जस्ट आपको ये मीडिया क्यूरी ऐड करनी है जो HTML CSS3 का पार्ट है। क्या बता रहे हैं कि मैक्स विड्थ अगर 768 है तो आप ये रूल्स अप्लाई करें। अच्छा, अब सेकंड थिंग ये है कि सिर्फ ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, जो रूल्स आपने यहाँ पे ऊपर राइट किए हुए हैं वो सारे वही रूल्स रहेंगे, लेकिन जो रूल्स आपने यहाँ पे राइट किए हैं अगर 768 पिक्सल से आता है तो ऊपर वाले रूल्स इन रूल्स से एक्सचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने साइड बार के अंदर फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट लिखा हुआ, तो 768 पिक्सल पे सिर्फ फ्लोट वाला रूल क्या होगा, ओवर राइट होगा, बाकी जो आपके रूल्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। सेकेंड, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे दो रूल्स लिख देते हैं गलती से, क्योंकि आपके CSS बिकम्स वेरी लार्ज सम हाउ कभी कभी, तो अगर आप ये दो रूल्स राइट कर देते हैं, ये कलर आप कर देते हैं लेट्स से कंट्रोल दिस वन, तो हमेशा जो सेकंड लास्ट पे आपका जो लास्ट पे रूल एग्जीक्यूट होगा वो ही एक्चुअली आपका रूल क्या होगा अप्लाई होगा। तो लेट्स से अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाएं तो रिफ्रेश करें तो आपका हेडर का कलर क्या हो गया, दिस वन। सब बात ध्यान में रखें
कि अगर आप के एक ही रूल लेट से हेडर के अंदर ये रूल्स हैं, उसके बाद आपने दोबारा हेडर के लिए कुछ रूल अप्लाई किए, तो वो रूल जो लास्ट पे आपके यहाँ पे आएंगे वो रूल आपके स्पेसिफिक ब्राउज़र पे अप्लाई होंगे, बाकी ये रूल ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएंगे। सो अगर लेट से आप कलर यहाँ पे रेड कर देते हैं तो ये रेड कलर कभी भी अप्लाई नहीं होगा। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि ये रूल इस रूल से ओवरराइड हो जाएगा। सिंपल वेबसाइट के लिए जैसे तो हमने क्या कहा था कि हम मूव करेंगे टूवर्ड्स बूटस्ट्रैप। तो अब एक और हम वेबसाइट ये स्टार्ट करेंगे। ये तो सिंपल वेबसाइट जिसमें अभी तक जो डिज़ाइन हुआ हुआ है वो क्या है, सिंपल एक मेन्यू है आपके पास, दिस वन, इस साइड पे आपका एक लोगो है। देन हमने क्या ऐड किया है, एक स्लाइडर ऐड किया है जो कि डिस्प्ले क्या कर रहा है हमें, डिफरेंट इमेजेस, इमेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट है। लेकिन ये सारा हम यूटिलाइज कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट बूट स्ट्रैप को। हमने कहा था अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अच्छा, अक्सर आपने मोबाइल पे देखा होगा, लेट से अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं तो ये आइकॉन आपको डिस्प्ले होता है, अगर इस पर आप क्लिक करें तो मोबाइल मेन्यू आपको ओपन होगा, लेकिन लार्जर स्क्रीन पर वही चीज़ आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। सॉरी, जबकि हमारी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न इसकी क्या है कि हमने इसको सिंपली डिज़ाइन किया, हमने कोई फ्रेमवर्क यूटिलाइज नहीं किया। तो फ्रेमवर्क इस टाइप की फंक्शनैलिटी आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करता है कि आपके मेन्यूज, ड्रॉप डाउन, टॉगल, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, टॉगल डाउन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खुद से राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेटर अगर आप इसको मोर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कस्टम डिज़ाइन के थ्रू इसे बेटर वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप अगर हम मूव करें, इसे फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप जो डिज़ाइन एंड मोबाइल फर्स्ट साइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी ये प्रोवाइड करती है। तो लेट्स स्टार्ट के हम बूटस्ट्रैप को कैसे, जो एक फ्रेमवर्क है आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए, जो उन्होंने ऑलरेडी आपको CSS एंड बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, इस फ्रेमवर्क को हम एक वेबसाइट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट आज हम ये दो सेक्शंस बिल्ड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्दर सेक्शंस बिल्ड करते जाएंगे। तो इस वीक के अंदर हम मोस्टली ये वेबसाइट एक डिज़ाइन करेंगे। सिंपल हम इसको नाम दे देते हैं बिजनेस वेबसाइट। प्राइस प्लान्स क्या हैं, कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेक्ट होगा बेसिकली, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज एंड दीज पेजेस हम बूटस्ट्रैप के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स से हम वापस आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, वेबसाइट टू। तो लेट्स अज्यूम करें वेबसाइट टू, इस वेबसाइट टू के अंदर आपकी एक स्टाइल डॉट सी एस एस है एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सम इमेजेस हैं, जो इमेजेस मैंने यूटिलाइज लेटर ऑन करना है, इनको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है। इससे फ्री इमेजेस आप गूगल से मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हम इस वेबसाइट टू को अपने क्रोम में ओपन करेंगे। जैसे वेबसाइट टू, इसमें आपके सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है एंड स्टाइल डॉट सी एस एस। तो तमाम स्टाइल में यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, सेव इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें स्क्रैच से इसे क्या करना है, बिल्ड करना है। तो अभी तक आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर है सम पिक्चर्स, वो मैं रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि बार बार मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो MTCSS वही स्टाइल या वही प्रोजेक्ट फोल्डर है जो ऑलरेडी आपने अभी लास्ट क्लास में किया है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि हमने इसको स्क्रैच से बिल्ड करना। तो हम हमेशा याद रखेंगे पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद उस कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट लेते हैं हम डॉक टाइप।
स्टाइल डॉट सी एस एस हमने राइट कहाँ पे करना होता है, एच टी एम एल सी एस एस, HTML ब्राउजर को बताने के लिए इसे डॉक्यूमेंट यानी HTML। तो अगेन HTML कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हेडर हेड एंड सॉरी, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच हम देखेंगे कि हम इस स्पेसिफिक बूटस्ट्रैप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स से आप यहाँ पे जाएं गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम एंड क्लिक करें गेट स्टार्टेड। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली अवेलेबल है, इसके स्टार्टर टेम्पलेट अवेलेबल है, बॉक्स साइजिंग क्या है, तो आप इसको पढ़ते रहें, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको फ्रेमवर्क बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो हम बेसिक स्टार्ट लेते हैं क्विक स्टार्ट से। हम कहते हैं कि हमने ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस को जो बिल्टिंग ऑलरेडी फंक्शनलिटी है उसे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे से क्लिक करें कॉपी एंड इस सीएसएस को आप लिंक कर लें। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल टैग, और टाइटल में हमारे पास क्या है, बूटस्ट्रैप बिजनेस इट। और ये बेसिक स्टाइल से हम लिंक कर देते हैं। इसमें से आप इंटीग्रिटी, ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इसे आप क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो जस्ट आपने क्या किया, CDN से जो स्पेसिफिक ऑलरेडी इनके सर्वर पे जो ऑलरेडी एक मिनिमम मेन डॉट सी एस एस पड़ी हुई है, आपने उसे क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो ये सी एस एस आप डाउनलोड करके भी ऑफलाइन भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम पे फिर इंटरनेट का होना कंपलसरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि यही स्टाइल शीट आप ऑफलाइन यूटिलाइज करें तो इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करें। जरा मैनेज वेज, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ। तो इस सी एस एस को आप, तो ये कंप्लीट सी एस एस आपको यहाँ पे क्या होगी, मिन फॉर्मेट में, मिनिमाइज फॉर्मेट में, जितने कोई भी पैडिंग सॉरी स्पेसेस या एक्स्ट्रा करेक्टर को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसको आप कंट्रोल कॉपी, आप अपने वेबसाइट के फोल्डर में जाएं, लेट्स से वन स्टेप अबव वेबसाइट टू सीएसएस, यहाँ पे एक और फाइल आप क्रिएट कर लें, तो नाम आप दे दें बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट को रिमूव कर दें। और जो आपने वहाँ से कंप्लीट सी एस एस कॉपी की थी यहाँ पे आप सेव कर लें, कॉपी पेस्ट एंड सेव। तो दो डिफरेंट वेज हैं, आप उस कोड को डाउनलोड कर लें या आप डायरेक्टली फाइल को गेट करें फ्रॉम दिस URL। सो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी 24 आवर्स अवेलेबल है तो रिकमेंडेशन है आप इसको यूटिलाइज करें, अगर नहीं अवेलेबल तो देन आप एक स्पेसिफिक फाइल को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो सेकेंड एक और वे है कि आप कंप्लीट बूटस्ट्रैप का जो पैकेज है वो क्या कर लें, डाउनलोड। तो जिसमें ऑलरेडी तमाम कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट सीएसएस फाइल आपको क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। तो इसको हम डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास बूटस्ट्रैप है, इसको क्या करूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। तो सीएसएस मल्टीपल फाइल्स हैं जो आपने यूटिलाइज करनी है, वो क्या है, बूटस्ट्रैप मिन डॉट सीएसएस। इस फाइल को आप यहां से कॉपी करें और अपने स्पेसिफिक फोल्डर में सेव कर दें। तो सिमिलरली आपको जो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट हैं डिफरेंट एनिमेशन के लिए, वो भी यहां पे आपको क्या है, अवेलेबल है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट
हम देखेंगे कि CSS के बाद हमें चाहिए होगा दीज स्मॉल बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने कोई एनिमेशन ऐड करनी है रन टाइम पे कंपाइल ब्राउज़र पे, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट ये फाइल्स चाहिए होंगी। तो इसको भी कॉपी करें और मोर अबाउट हम जावास्क्रिप्ट डिटेल से देखेंगे जो मिड के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके जावास्क्रिप्ट को। तो ये भी हमें नहीं चाहिए थी, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रीजन भी नहीं चाहिए, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो सिंपल हमें जीएस फाइल इंटीग्रिटी और क्रॉस रिमूव कर दें एंड तो बेसिक हेडर आपका कंप्लीट। तो आप जस्ट क्या करें, फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करने के लिए आपने उनके जो सीएसएस है वो कॉपी कर ली एंड जो उनके डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट थी वो भी आपने क्या कर ली, लिंक कर ली अपने इस स्पेसिफिक वेब पेज के साथ। तो यहाँ पे आपको देखेंगे वर्ड यूज़र होगा npm, इट्स ए नोड पैकेज मैनेजर है। तो मैं आपको इन सी के बाद एक स्पेसिफिक वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो एक डिफरेंट फ्रेमवर्क पे अवेलेबल है जिसको हम क्या कहते हैं फाउंडेशन। तो वह उस फाउंडेशन ट्यूटोरियल के अंदर आप देख लेंगे तो हाउ टू इंस्टॉल npm, npm के थ्रू आप डिफरेंट पैकेजेस को कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। तो इट्स ए गुड वन ट्यूटोरियल जो आपको अगेन पार्ट ऑफ कोर्स ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या करें हेडर, और लेट्स से हम कहते हैं कि हेडर आईडी इज इक्वल टू नेव बार। वन स्टेप तो ये है कि आप क्या करें दोबारा से कोड करें, लिंक्स ऐड करें, जैसे हमने लास्ट टाइम ऐड किया था लेफ्ट साइड पे लोगों के लिए, इमेज के लिए राइट साइड फ्लोट लेफ्ट एंड राइट करें। तो हम यूटिलाइज करते हैं, हमने क्या क्या हमने क्या यूटिलाइज करना है इस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के बिल्ट इन कोड्स को। तो हम जस्ट यहाँ पे जाएंगे इस वेबसाइट के कंपोनेंट्स पे। तो ये कंपोनेंट्स आपको मल्टीपल बिल्ट इन कोड स्टार्टर कोड प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम स्टार्टर कोड को ही यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ओरिजिन है, तो लेटर ऑन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम खुद से सारा कोड राइट करने की कोशिश करेंगे। सो नेव बार पे जाएं, अगर आप हाउ इट वर्क्स इसको आप, अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी थ्योरी को आप अंडरस्टैंड कर लें। तो डिफरेंट नेव बार्स आपके पास जो हैं सैम्पल कोड्स अवेलेबल हैं। अगर आपने इस नेव टाइप ऑफ नेव बार को ऐड करना है तो उसके लिए जो कोड है वो ये अवेलेबल है। अगर आपने सिंपल दिस नेव बार को यूटिलाइज करना है तो उसके लिए ये कोड है, अगर ये नेव बार है तो ये कोड है। तो मल्टीपल आपको डिफरेंट सैम्पल्स कोड क्या हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हम दिस वन मे बी ओके, इस नेव बार को हम क्या कर लेते हैं कॉपी। ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास कोड जो अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इस पर यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट एंड लेट्स से हम रिफ्रेश करते हैं इसके जो हमने बिल्ड करना है। तो ये बेसिक स्टार्टर कोड आपको नेविगेशन का मिलेगा, और अगर आप इसको स्क्रीन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये टॉगल मेन्यू भी आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देगा जो कि उसके बूटस्ट्रैप डॉट जे एस में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। हमें खुद से ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन इट्स ए स्टार्टर कोड, और अब आप क्या चाहते हैं इसको आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ताकि ये लेफ्ट राइट पे मूव हो और ये आपका यहाँ पे क्या ऐड हो, इमेज ऐड हो लाइक लोगो। तो ये अब आपको खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा। HTML ऑलमोस्ट आपका क्या है कंप्लीट है, यहाँ पे आपने और कुछ भी राइट नहीं करना। तो इसी वजह से हम फ्रेमवर्क जब करते हैं तो हमारी स्पीड वेब डिज़ाइन की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो नेव बार हमने ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया नेव बार का कोड फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। तो ओके, अब हम जाते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे। हमने इस जो नेव बार है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोड ऐड किया, तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है,
बेटर करना है या इसमें मोर डिज़ाइन को ऐड करना है, क्योंकि तो जो डिफ़ॉल्ट आपके पास डिज़ाइन आया इट्स नॉट कूल और लुक एंड फील में ये बेटर नहीं है। ओके, अब इन नेव बार पे नेव बार एक्सपेंड, नेव बैकग्राउंड लाइट, ये बिल्ट इन आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर आप मेन सीएसएस पे जाएं तो गैन इससे हैवी फाइल थोड़ा सा टाइम लेगी ओपन होने के लिए भी। तो इन मेन बार पे मल्टीपल आपके क्या हैं ऑलरेडी स्टाइल अवेलेबल हैं। तो हम अगर सीएसएस पे जाएं इसको टेक्स्ट फाइल में ऐसे ओपन करें तो हम ग्रेट बूटस्ट्रैप रीबूट, तो बूटस्ट्रैप विदाउट मेन इसको अगर हम ओपन करें विद नोट पैड टेक्स टाइम। तो ये आपका क्या है, सॉरी नोट पैड पे नहीं, इसको हम वर्ड पैड पे ओपन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी HTML के लिए रूल अप्लाई है, पूरी HTML पे क्या हो, लेट से अगर आर्टिकल ए साइड फिगर कैप्शन फुटर हेडर अगर आप ये टैग यूज़ करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिस्प्ले ब्लॉक, अगर आप बॉडी टैग है उस पर क्या रूल्स अप्लाई हो, HR पे H1 मार्जिन टॉप 0 मार्जिन बॉटम 0.5, रैम यूज़ होता है कई जगह पे, पिक्सल भी यूज़ होता है और EMB यूटिलाइज होता है। तो ये आप लाजमी देखिएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम EM एंड पिक्सल। तो डिफरेंट टैग्स जो आपके HTML पे हैं उस पर डिफरेंट उन्होंने आपको रूल्स अप्लाई करके दिए हुए हैं। लेट से एक प्रोग्रेस बार हम देखेंगे उस पर आप क्या करें वर्टिकल अलाइन कर दें। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी वेब किट के नाम से, अगर आप नोट करें तो ऑलरेडी ये आप सारे रूल्स अप्लाई करके आ चुके हैं। पैडिंग क्या करनी है, सिंपल डिफरेंस किया है कि हमने पिक्सल यूज़ किया तो ये रैम यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, अगर आप आपकी कोई फिगर है डॉट कोई क्लास आपकी है तो CSS क्लास है डॉट फिगर तो डिस्प्ले उसे क्या करें इन लाइन ब्लॉक। तो अगर आप इसको कंबाइन करें अगेन मीडिया क्यूरीज डिफाइन है, अगर आपकी मैक्सिमम वेट 992 पिक्सल है तो डॉट कंटेनर दीज क्लासेस पे जो मैक्सिमम वेट कर दें वो क्या कर दें 960, अगर आपकी मेन वेट मिनिमम वेट 768 है तो आप ये रूप अप्लाई कर दें। तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वही है, जस्ट मार्जिन पैडिंग मैक्सिमम वेट एंड हाइट ही यूटिलाइज हो रही है। तो इन क्लासेस को हम यूटिलाइज करते हुए फ्लेक्स के बारे में हम लेटर ऑन देखेंगे व्हाट इज़ द फ्लेक्स, इट्स यू कैन से इट्स ए विड्थ अभी तक के लिए, और डॉट एम एस इज ए सबस्क्रिप्ट ऑफ अगर के आपका जो ब्राउज़र है वो माइक्रोसॉफ्ट है। फिर इसमें एक आपको वेब किट नज़र आएगी, एक आपको मोजीला के नाम से आपको सबस्क्रिप्ट नज़र आएगा। सो दैट्स इट, अगर आप इसको क्रिटिकली देखना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी डिटेल से इसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अंडरस्टैंड करें कि हाउ मैनी देर आर डिफरेंट क्लासेज हैं, उन क्लासेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे तो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी को। तो वापस हम आते हैं अगेन इसको क्लोज कर देते हैं index.html। क्लोज कर दें और वापस अपने style.css पे आ जाएं, जो हमने हमारा जो बेसिक टारगेट है वो क्या है कि हमने ये डिज़ाइन करनी है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले नेविगेशन देखी थी। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं विद स्टेरिक। तो स्टेरिक मीन्स मस्ट अप्लाई, हमेशा हम इसे राइट करते हैं शुरू में, हम कहते हैं पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। तो आपके ब्राउज़र के बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके पैडिंग एंड मार्जिन हैं वो क्या कर दें, तमाम की तमाम रिमूव कर दें। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, दिस वन। सेकेंड, हम वापस अपने कोड पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमेशा आप क्या करें, स्टार्ट लें। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने जैसे करना है ID नेव बार। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने इस पे कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें नेव बार के लिए रूल अप्लाई करने हैं। तो
सेक्शन जो हमारा हेडर है नेव बार, इसको हम क्या कह रहे हैं कि सॉरी, इस हेडर की जो पोजीशन है, देयर आर मेनी पोजीशन, फर्स्ट हम यूटिलाइज करेंगे स्टिकी। स्टिकी पोजीशन क्या है कि लेटर ऑन जब हम पे मल्टीपल सेक्शन लेके आएंगे तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार आएगा, तो स्क्रॉल बार आप मूव करते जाएं, लेकिन ये मेन्यू लेटर, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लें तो यहाँ पे आपका मेन्यू क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर आप पोजीशन स्टिकी कर देंगे तो ये मेन्यू स्टिक रहेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ये मेन्यू स्क्रॉल अप नहीं होगा। स्टिकी मेन्यू हमें चाहिए टॉप से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, जीरो, जी इंडेक्स, जी इंडेक्स लेट से 10, 100, मोस्टली हम लार्ज नंबर राइट करते हैं। जी इंडेक्स डिफाइन करता है कि ये जो नेविगेशन बार है ये आपके 9 या 99 जो प्रीवियस कंपोनेंट्स हैं या नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं उनसे अबव रहेगी। लेट से अगर हम इसका जी इंडेक्स लेट से क्यों करें, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये स्टिकी है और इसका जी इंडेक्स क्या है, 10। तो जब भी आप इसको स्क्रोल डाउन करेंगे, एक तो ये इस लोकेशन पे फिक्स रहेगी और बाकी तमाम सेक्शन के ऊपर अवरले इसका हो जाएगा। तो जी इंडेक्स बेसिकली क्या है कि जो नेक्स्ट सेक्शंस आपके आ रहे हैं उनके ऊपर इस सेक्शन को डिस्प्ले करवाएं, उन सेक्शन से बिहाइंड इसको ना लेके जाएं। तो मोर इन्फॉर्मेशन आप जी इंडेक्स की देख लें, इट्स अ वेरी हैंडी रूल, जो आप मल्टीपल वेबसाइट खोलें तो जी इंडेक्स आपको लाजमी वहाँ पर मिलेगा। तो वापस हम HTML पे आते हैं, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इस रूल को हमने अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप हम कहते हैं कि हम हमारा ये वाला टैग है और यहाँ पे हम नेव बार सिंपल आपका क्या हो रहा है, दिस टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसकी जगह हम इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम इस नेव बार को रिमूव करेंगे, हम क्या कहेंगे, IMG स्क्रीन इक्वल टू हमारे पास जो इमेजेस हैं जो ऑलरेडी हैं उसमें हमने स्टोर किया हुआ है, देख लेते हैं क्या है, लोगो के नाम से लोगो डॉट पी एन जी एंड देख सेव करें एंड रिफ्रेश करें, तो ये लोगो आपका डिस्प्ले हो गया। लेकिन ये लोगो क्या है, वेरी लार्ज, इस लोगो को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्मॉल करना चाह रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले हो। अगर आपको लगता है कि इससे गुड डिज़ाइन फॉर यू तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज इसको आपको डिज़ाइन खुद से करना पड़ेगा। तो आप वापस स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, इस स्पेसिफिक इमेज पे आपका जो क्लास है वो क्या है, नेव बार ब्रांड, और नेव बार ब्रांड के इनसाइड आपका कौन सा टैग है, इमेज टैग। तो आप स्टाइल डॉट सी एस पे आएंगे, आप कहेंगे नेव बार ब्रांड के अंदर आपका टैग है इमेज, इस पे रूल के अप्लाई करें, हाइट क्या कर दें 60 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट में भी 20 पिक्सल। तो रिफ्रेश, नोट वाई नेव बार ब्रांड इमेज, जैसे हमने इसको सेव भी स्टाइल डॉट पी एस एस को किया है, चेक कर लें, डॉट नेव बार ब्रांड के इनसाइड टैग क्या है, इमेज हाइट क्या कर दें 60 पिक्सल, 20 पिक्सल करके देखें, नो चेंज। वापस हमें मूव करना पड़ेगा अपनी HTML की तरफ और देखें जो हम टैग यूटिलाइज कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, HTML में कोई एरर तो नहीं है। ओके, इमेज टैग दे ए क्लास स्नैपबॉर्ड ब्रांड करेक्ट है, HREF में अभी हम कुछ प्रोवाइड नहीं करे। नंबर सिंबल का मतलब होता है कि ये जो स्पेसिफिक आपका लिंक है ये कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे रहेंगे। इमेज हमारे पास है, स्क्रीन टैग है
एंड हमारा ए टैग क्लोज हो रहा है, एवरीथिंग करेक्ट। स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं हो रहा, रीज़न इसकी क्या है कि हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक ही नहीं किया हुआ अपने एक स्पेसिफिक पेज के साथ, तो हमें लिंक करना पड़ेगा हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस को। तो लिंक करने के लिए जो टैग है वो क्या है, लिंक रेल स्टाइल शीट नेक्स्ट एचरेफ और सी एस एस के इनसाइड आपकी स्टाइल डॉट सेव। तो बिकम वेरी स्मॉल, तो आप इसको क्या करें, इसकी हाइट इंक्रीज कर लें, तो हमने इनिशियली 60% रखी थी, सो लुक्स गुड। आप वापस आए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। सो नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो क्या है, नेवबार टॉगलर। नेवबार टॉगलर को हम देख लेते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, दिस टॉगलर एक्चुअली वो इस चीज़ की बात कर रहा है, इट्स करेक्ट। ये जो आपका टॉगलर है वो करेक्ट लोकेशन पे है, तो इस पर हमें कोई डिज़ाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वापस हम एच टी एम एल पे आते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेव बार दिस और एल आई एलिमेंट एक्चुअली कोलैप्स ये करेक्टली हो रहा है, यू एल हमारे पास क्लास अवेलेबल है, तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, डॉट दिस जो नेव बार है इसके इन साइड जो एल आई एलिमेंट है इसे हम चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, क्या चेंज करना चाह रहे हैं, इनिशियली कि इनके दरमियान में स्पेस को ऐड करें। तो हमारे पास क्लास है नेवबार और इसके इनसाइड एलिमेंट है एल आई, तो आप पैडिंग प्रोवाइड करते हैं ज़ीरो टॉप एंड बॉटम से, ज़ीरो एंड लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल। तो स्पेसेस आपकी क्या होगी, बेटर हो गया, थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि नेवबार के इनसाइड जो लिंक टैग्स हैं, ये जो ए टैग है इसके इनसाइड जो ए टैग हैं इन्हें आप क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट पे इसको मूव करना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे डॉट नेव बार नेव और एल आई के इनसाइड ए टैग है, इसको फ्लोट क्या कर दें अगेन राइट, टेक्स्ट अलाइन जो आप कर दें वो क्या करते हैं लेफ्ट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर के। अगर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, जब भी आप राइट करें तो अपर केस में हो, तो देखें जैसे जैसे प्राइसिंग डिसेबल ये सारे के सारे क्या हो जाएं, अपर केस में आपको डिस्प्ले हो जाएं। और लास्टली हम क्या कह देते हैं कि लेट्स से अगर नेव बार पे यूज़र मेन्यू या अपना माउस पॉइंटर लेके जाए तो इसका कलर एंड इसका वेट थोड़ा सा क्या हो चेंज हो, ताकि डिफरेंस फील हो जाए कि आप माउस यहाँ पे मूव करें। जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने स्पेसिफिक आपको प्रोवाइड किया हुआ है फीचर के लिए देखें, थोड़ा सा चेंज है लेकिन फॉन्ट वेट थोड़ा सा क्या है कम है और इसका कलर ब्लैक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि नेव बार एल आई एलिमेंट जिसके अंदर लिंक टैग है अगर आप होवर करें तो कलर क्या कर दें, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, लेट्स से नंबर 007 DFPS DFF एंड इम्पोर्टेंट। वाई वी यूज इम्पोर्टेंट, अभी मैं आपको इसका बात बता देता हूँ। देखें जब आप इस पर मूव करें तो ऑलरेडी आपका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट मीन बाई डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कलर चेंज करने की जब आपका माउथ यहाँ पर मूव करें, लेकिन आप कस्टम कलर चाह रहे हैं वो जो क्या है बी एफ, इस पर अगर राइट क्लिक करें तो सम हाउ ब्लू कलर आप चाह रहे हैं। तो अगर आप
बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के रूल्स को ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट। अदरवाइज आपका बूटस्ट्रैप का रूल अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रीज़न क्या है इसकी भी कि अगर आप देखेंगे आपने लिंक को क्या किया है, स्टाइल शीट को इस लोकेशन पे लिंक किया है, और उसके बाद आपने किसको लिंक किया है, मेन डॉट सी एस एस। इट मीन ये वाला जो स्पेसिफिक रूल है ये दोनों में अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप में भी और सी एस एस में। तो हमने क्या कहा था, जो सेकेंड टाइम पे आएगा, जब लास्ट टाइम में रूल आएगा, वो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा प्रीवियस रूल से। तो अगर आप इसको इम्पोर्टेंट लिख देंगे तो आपका जो नेक्स्ट रूल जो बूटस्ट्रैप में है वो अप्लाई नहीं होगा, जबकि अप्लाई क्या होगा, दिस वन ओनली, दिस वन रूल अप्लाई होगा, तो ये ओवरराइड रूल नहीं होगा। तो रिफ्रेश करें, माउस मूव करें तो देखें आपका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं कि कलर तो चेंज हो गया है इसका, लेट्स से फॉन्ट वेट भी क्या कर दें, वेट 200 कर दें। तो लेट्स से 200 देके देखते हैं कि थोड़ा डिफरेंस फील होता है। तो रिफ्रेश करें तो फॉन्ट वेट आपका, तो डेट फाइन, फॉन्ट वेट 200 के बजाय आप इसको लेट्स से 800 करें। तो रिफ्रेश, तो ये आपका डिस्प्ले हो रहा है फॉन्ट वेट, अगर आप इन पे माउस को मूव करें तो आप अपनी मर्जी से इसे 400 इज करेक्ट। यहाँ तक तो आपका हो गया। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसको देखें, अगर लास्ट थिंग इस लेक्चर की, ये अभी तक लेफ्ट पे फ्लोट नहीं हुआ हुआ, आप HTML का ही एक टैग यूज़ करें बूटस्ट्रैप का, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑटो ML के नाम से। हम कह रहे हैं कि जो आपकी नेव बार है या US क्लास है, इसको क्या करते हैं, ऑटो ML मेन्यू अलाइन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन जो आपने ऑलरेडी उसको फ्लोट कहा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगी, फ्लोट, और आपका ये मेन्यू इस साइड पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, हमने किसी भी एलिमेंट को डिसेबल नहीं करना। तो डिसेबल, डिसेबल से मुराद है अगर आप किसी भी लिंक के साथ डिसेबल ऐड करेंगे क्लास, तो माउस उस पर मूव जब आप करेंगे तो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। तो आप इसको डिसेबल को रिमूव कर दें, हमें ये नहीं चाहिए। अगेन HRF टैब इंडेक्स नॉट रिक्वायर्ड। फिर होम करंट नॉट रिक्वायर्ड येट, लेट्स से दिस वन हो गया, दैट्स इट। तो रिफ्रेश करें, 400 करेक्टली अब काम कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम मोर मेन्यूज ऐड कर लें, लेट्स से, और नेमिंग कन्वेंशन हम क्या दे दें, ये होम है, इट्स अबाउट सर्विसेज, प्राइस प्लान, कुछ मेन्यूज हम और ऐड कर लेते हैं, कॉपी। तो हम कह सकते हैं मेन्यू कॉपी कर लें, अवर टीम के बजाय ये आप कहेंगे। Testimonial एंड ये आप क्या कह देंगे, कंटेक्ट करें, रिफ्रेश, तो आपका मेन्यू क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। टॉगल डाउन करेंगे तो
तो ये मेन्यू आपको मोबाइल स्क्रीन पे इस फॉर्मेट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक करेक्ट। लास्ट थिंग क्या रहती है, दिस वन लिंक कोई बेटर डिस्प्ले नहीं हो रहे। हम क्या कह देते हैं, हम HTML पे आते हैं, हम कहते हैं जो जो नैव लिंक है इस क्लास को भी क्या कर दें, थोड़ा सा डिज़ाइन कर दें, फॉन्ट वेट वगैरह इसका क्या हो जाए चेंज। तो डॉट और हम कह रहे हैं कलर फाइव फाइव फाइव, फॉन्ट वेट क्या कर दें 600, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। तो रिफ्रेश करें तो थोड़ा सा फॉन्ट वेट चेंज हो गया है। जब इस पे आप माउस मूव कर रहे हैं तो अगेन का कलर क्या हो रहा है चेंज, एंड थोड़ा सा वो गया। तो दैट्स इट, लुक्स गुड। आपका मेन्यू यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो लेटर ऑन हम देखेंगे इस मेन्यू को मल्टीपल पेजेस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इनिशियली हम सिंगल पेज वेबसाइट बनाएंगे जिसमें मल्टीपल हमारे क्या होंगे, सेक्शन होंगे। तो नेक्स्ट हम सिर्फ HTML कोड ऐड कर लेते हैं, डिज़ाइन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स से हमें यहाँ पे एक स्लाइडर चाहिए। मोस्टली अगर हम इस वेबसाइट में देखें तो हमने एक बैनर ऐड किया था, बैनर पे हमने डीप इंफॉर्मेशन ऐड की थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड नहीं थी, सिंगल इमेज थी। तो स्लाइडर आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट की मेन पेज पे, यहाँ पे एक इमेजेस मूव हो रही होती हैं मल्टीपल। तो उसके लिए जो कंपोनेंट अवेलेबल है उसको हम कहते हैं कैरोसेल। तो हाउ इट वर्क, सारी एग्जांपल अवेलेबल है। अगर आप इसको फर्स्ट स्लाइड अगर आप देखें, इट्स कैरोसेल, लेकिन हर दफ़ा बैकग्राउंड इमेज का जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस वन विद इंडिकेटर्स है, नेक्स्ट है विद कैप्शन, अगर आप इमेज के साथ कैप्शन भी प्रोवाइड करना चाहें तो लेट्स से हम इसे पिक कर लेते हैं। तो ये रोड कंप्लीट कोड आप कॉपी करें, आप आए नेक्स्ट अपने HTML पे। तो हेडर हमारा लेट्स से कंप्लीट है, तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक न्यू डिव क्रिएट कर लेते हैं या सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। तो बेटर क्या है, आप क्या करें, सेक्शन क्रिएट और उसकी आईडी क्या रख दें, इक्वल टू स्लाइडर। नेक्स्ट जो कोड आपने कॉपी किया है उसे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो वापस अपनी वेबसाइट पे जाएं, रिफ्रेश करें। तो इमेज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन क्योंकि हमने कोई भी इमेजेस ऐड नहीं की जिसकी वजह से स्लाइडर कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो अब सिंपली हम इमेजेस ऐड कर लेते हैं। लेट्स से ये इमेज टैग अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू इमेज हम कहते हैं दिस इज बैनर वन, अगेन एक और इमेज ऐड कर लेते हैं, इमेज अगेन बैनर वन, जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए कि स्लाइडर पे इमेजेस ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इमेज बैनर वन, तो इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। तो आपका स्लाइडर क्या हो गया, ऐड हो गया विद प्रॉपर फंक्शनैलिटी। तो जस्ट आपने क्या किया, कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो लेफ्ट हम देखेंगे कि अगर इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम मूव करना चाह रहे हैं इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो हम कैसे करेंगे। तो टुडे लेक्चर इज दिस, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा इवनिंग 4। तो सी यू देन। मीनवाइल ट्राई करें कि जो आपने बूटस्ट्रैप अभी देखा है और जो आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसको आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।